तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री के द्वारा जेल भेजे जाने की धमकी पर वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा कि यह सहन नहीं होगा और हम लोग मुकाबला करेंगे। और उन्होंने तेजस्वी यादव को नहीं पूरे बिहार के युवाओं को धमकी दी है। मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के बिहार आगमन पर कहा कि हम लोगों ने पहले से ही कमान संभाल रखा है, राहुल गांधी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग सभी सीट जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बिहार आगमन पर कहा, सम्राट चौधरी को कहा, जिन चीज़ों की जानकारी नहीं है उस पर बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम उनको पता नहीं है तो वह क्या राजनीति करेंगे। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनको आईना दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है। सभी अच्छा है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और हम लोगों ने तो कमान संभाल ही रखा था ना, और सातवीं चरण का चुनाव है और इसमें और जोश खोश से हम लोग पूरा पार्टी का पूरा टीम लग गए हैं। एक एक वोट ट्रांसफर हो रहा है और ये जो ये अंतिम फेज है 100% सभी सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, उसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी के कई कदावर नेता बिहार आ रहे हैं, आज मोहन यादव जी का भी पटना में उत्सव करेंगे, सभा को संबोधित। वो तो इससे पहले बड़े बड़े लोग आए हैं ना, वो आए बिहार आए घूमे फिरे जाए, वही मेरा आग्रह है इन लोगों सबसे कि सिर्फ चुनाव के समय में मत आइए बिहार, उसके अलावा भी बिहार आते रहिए और बिहार में कुछ काम कीजिए, सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मत आइए। तो इसलिए इस बार तो जो हो रहा है, जो मोदी जी आए और तेजस्वी जी को जो धमकी दिए हैं, वो धमकी इस बार बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। और ये तेजस्वी जी को धमकी नहीं दिए, हर वो बिहारी को दिए जो बिहार में रहते हैं, हर वो बिहारी युवा को दिए जो तेजस्वी जी को धमकी दिए हैं। इसलिए आने वाले समय में मजबूती से हम लोग सामना करें और मजबूती से लड़ाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस 55 साल लूटने का सिर्फ काम किया है और आज आ रहे हैं पटना। देखिए सम्राट चौधरी जी भी तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ थे, और रहा कि सम्राट चौधरी 55 साल की बात कर रहे तो उससे पहले तो उनके पिताजी वगैरह सब राज करते थे, तो जो चीज़ को उनकी जानकारी नहीं है उस पर ज़्यादा सम्राट चौधरी को बात नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में हाँ यह है, भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम है और उनको मजबूती से अभी का काम करना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि उनके सहयोगी में पूर्व रह चुके हैं या बिहार में राजनीति में जो मजबूत पार्टी है उनका प्रदेश अध्यक्ष का नाम उनको नहीं पता है तो देश के बारे में क्या समझेंगे। तेजस्वी यादव ने ओबीसी मुस्लिम की सूची जारी की है गुजरात की और कहा है कि इन लोगों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और ये वही गुजरात है जहाँ 13 वर्षों तक नरेंद्र मोदी सीएम रहे हैं। ये देखिए कि ये लोगों को भ्रम पैदा करने वाला काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी किए हैं, इसलिए तेजस्वी जी ने उनको आईना दिखाया कि आपने जो किया और अभी जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उनको आईना दिखाया गया चिट्ठी के और